जागो, सूरज उग गया। चीनू, चलो उठो, देखो सूरज उग गया है, चलो अब उठो भी। मैं उठाता हूँ इसे। बस अब भिनभिनाना बंद करो। मीनू रोको इसे। बस इधर आओ, चलो सूरज को नमस्ते करते हैं। बस चलो इधर देखो, सूरज हमेशा सुबह यही होता है। सूरज इस तरह से उगता है, इसे हम पूरब कहते हैं। पूरब क्या है? यह एक दिशा है, सूरज रोज इसी दिशा से निकलता है। अच्छा, तो सूरज पूरब से उगता है। चलो एक खेल खेलते हैं। सब सूरज की ओर देखो, राजा बदमाशी नहीं। चलो सूरज को देखें। अब अपने हाथ फैलाओ। मैं क्या करूं? अपने पंख फैलाओ बस। राजा अपने कान फैला रहा है, जोकर। अब सुनो, यह रहा पूरब, हमारा मुंह पूरब दिशा की ओर है, और जिस तरफ हमारा बायां हाथ है वह है उत्तर दिशा। मीनू, मेरी बाईं तरफ किधर है? वैसे बाईं दिशा होती क्या है? यह रहा तुम्हारा बायां और यह दायां। आहा, अब मुझे पता है, बायां दायां, बायां दायां। इस तरफ मेरा बायां है तो इस ओर हुआ उत्तर। हाँ, तुम्हारी दाहिनी तरफ दक्षिण है। राजा, इधर है दक्षिण, लेकिन हमारे पीछे क्या है? और हमारी पीठ की तरफ है पश्चिम दिशा, वहीं जिस ओर सूरज डूबता है। सूरज पश्चिम में वापस सोने चला जाता है। कल फिर सूरज पूरब दिशा से निकलकर यहाँ आएगा। मैं बोलूं, यह पूरब दिशा है, इधर से सूरज उगता है। उधर बाईं तरफ है उत्तर और दाहिनी तरफ दक्षिण। हाँ बस, दिशाएं चार होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मुझे तो दायां और बायां भी पता है। मैं पहले बाईं तरफ उड़ूंगा और फिर दाहिनी तरफ। वह देखो, राजा भी अपनी बाईं ओर और फिर दाईं ओर दौड़ रहा है। चीनू, आज रात हम खुले में सोएंगे, हम सुबह सूर्योदय होते देखेंगे, यह पूरब से आएगा। ठीक है बस, आज रात हम बाहर सोएंगे। आकाश में वह क्या चमक रहा है? वे तारे हैं, बस वे रात में चमकते हैं। एक तारा दाईं तरफ है,
एक बाई तरफ है। अरे एक वहाँ भी है। तारे बहुत होते हैं बस, हम उन्हें गिन नहीं सकते। तारे मुझे पसंद है। अरे वहाँ सूरज भी है, यह सफेद हो गया है। नहीं नहीं, वह सूरज नहीं है, वह चांद है। चांद को हम सिर्फ रात में देख सकते हैं। सुबह चांद कहाँ चला जाता है? कहीं नहीं, सुबह सूरज बहुत चमकीला हो जाता है, इसलिए हम चांद को नहीं देख पाते। मीनू देखो, आज पूर्णिमा की रात है। चीनू पूर्णिमा क्या है? चांद अपना आकार बदलता रहता है। जब यह बड़े गोले की तरह दिखता है तो इसे पूर्णिमा कहते हैं। बस किसी किसी दिन हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता। लेकिन आज पूर्णिमा है और चांद हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। चलो अंदर चलकर सोते हैं, सूरज हमें सुबह जगा देगा। चीनू तैयार हो जाओ, सूरज पूरब दिशा से उदय होगा। दोस्तों क्या तुम्हें चार दिशाएं याद हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तुम पूरब दिशा की ओर मुंह करके अपने बाएं और दाएं हाथ को बाहर की तरफ फैलाओ। आओ अभ्यास करें। प्रश्न और उत्तर। क्या तुम अपना बायां हाथ उठाकर दिखा सकते हो? क्या तुम अपना सिर बाएं ओर झुका सकते हो? क्या तुम अपना दायां हाथ उठाकर दिखा सकते हो? क्या तुम अपना सिर दाएं तरफ झुका सकते हो? तुम्हारी दाएं ओर कौन बैठा है? तुम्हारी बाएं ओर कौन बैठा है? क्या तुम सुबह के समय चंद्रमा को देख सकते हो? नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि गोल गेंद जैसा दिखने पर चंद्रमा को क्या कहते हैं? चांद। आओ अब मिलकर खाली स्थान भरें। सूरज दिशा से उगता है, सूरज
पूरब दिशा से उगता है। सूरज दिशा में छिपता है। सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। हम रात के समय आकाश में बहुत से देख सकते हैं। हम रात के समय आकाश में बहुत से तारे देख सकते हैं। चार दिशाएं हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार दिशाएं हैं। सूरज पूरब दिशा से उगता है। सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। हम रात के समय आकाश में बहुत से तारे देख सकते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार दिशाएं हैं। अच्छा दोस्तों, चलते हैं। तुम भी दिशाओं का खेल क्यों नहीं खेलते?